मर्जी से दो, किसी की जबरदस्ती से या धमकी से नहीं। स्वागत है आपका आपकी आवाज में, मैं हूं शकील बागमारे। आपका वोट आपके मर्जी का हो, ना के किसी के जबरदस्ती का। याद रखिए, ये महानगर पालिका का चुनाव 8 साल के बाद हो रहा है और इन 8 सालों में आपके वार्ड का क्या हाल है आप बहुत अच्छी तरह जानते हो। वादे तो बहुत करते हैं, अब आपको देखना है उसे निभाता कौन है, क्योंकि सभी उम्मीदवार को आप अच्छी तरह जानते हैं और आपको पता होता है कि कौन वादा निभा सकता है और कौन नहीं। 5 साल सड़कों पर अपने ज़रूरतों के लिए टैक्स देकर भीख मांगे जैसे हालात ना हो आपके साथ, इसी फिक्र को लेकर हम लगा रहे हैं आवाज़। आपके वोट का सिर्फ एक दिन आपके लिए 5 साल तक राहत दे सकता है और तकलीफ भी, इसका फैसला आपको करना है। आप सिर्फ वोटर नहीं मतदाता हैं, इसे ना भूलिए। ये चुनाव सिर्फ चुनाव नहीं, आपके लिए सिस्टम से लड़ने का चैलेंज है। अगर इसमें आप कामयाब हो गए तो आपके लिए सिस्टम से लड़ने की आज़ादी मिलेगी, वरना फिर सड़कों पर हड़तालें, आंदोलन, प्रदर्शन, विरोध के नारे लगाते हुए पूरे 5 साल सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाते हुए ही गुजर जाएंगे। अब फैसला आपके हाथ में है, आपको जिताना है या आपको बिकना है, इसका फैसला आपको करना है। पैसे की लालच और ज़बरदस्ती आपको अंधा, बहरा और गूंगा कर सकती है। फिर ना आपको, आपके वार्ड को ना कोई देखने वाला होगा, ना बोलने वाला, ना कोई सुनने वाला। फिर ना कहना कि हम विकास और अभिवृद्धि से वंचित हैं। अब हर उम्मीदवार आपके घर के दहलीज के पास आएगा और आपका वोट मांगेगा और आपसे वादा करेगा, मगर इस बार हर बार की तरह आप बेवकूफ ना बनिए, क्योंकि नेता लोग हमेशा से वोटर को बेवकूफ़ समझते हैं और जनता बेवकूफ़ बड़े आसानी से बन भी जाती है। इस बार तो अपनी अक्ल लगाइए और अपना वोट सोच समझ कर दीजिए। और याद रखिए, चुनाव है जंग नहीं। किसी भी उम्मीदवार को चुनिए मगर प्यार से। उम्मीदवारों के खातिर आप लोग आपस में ना लड़िए। और याद रखिए, जो उम्मीदवार आपको आपस में लड़ाएगा वो आपका उम्मीदवार नहीं, बल्कि अपने फायदे के खातिर आपकी जान दांव पर लगाएगा। इसका खास ख्याल रखिए, किसी के फायदे के लिए अपने दोस्तों से, अपने भाइयों के साथ दुश्मनी ना करें, शांति से, प्यार से चुनाव करें। हर तरफ चुनाव की धूम मची है, इस धूम में अपने आप को ना भूलिए, क्योंकि हर नेता जुमलेबाजी आज बहुत अच्छी तरह से कर लेता है और उसे तालियां भी बहुत अच्छी मिलती हैं। जैसे कि हमारे नगर शासक की ही बात कर लीजिए, क्या नगर शासक को नहीं जानते? तो ये देखिए हमारे नगर शासक, वो भी एक से एक वादे हर वार्ड में करते दिखाई दे रहे हैं और अपने कामों की फहरिस्त बता रहे हैं, मगर हकीकत क्या है शहर के विकास की, ये आप सभी जानते हैं। और आप ये भी जानते हैं कि इन 35 वार्डों का हाल आज क्या है। इसीलिए कहता हूँ, हमेशा की तरह बेवकूफ़ ना बनिए, अपने वोट की ताकत को जानिए और अपने वार्ड के विकास के लिए अपना वोट सही उम्मीदवार को दीजिए। और इतना तो अपना हक रखिए कि आपके वार्ड का विकास ना होने पर उसे पूछ सके, वार्ड का विकास क्यों नहीं किया। और याद रखिए, वोट ज़रूर दीजिए मगर विकास पर, ना के किसी जात पात पर। तो देखते रहिए हक की आवाज़।